हेलो दोस्तों, कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट का जो रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने एक कॉमन सा सवाल पूछा है कि क्या अभी कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट का जरूरी है या नहीं, अगर हम इंडिया से सऊदी अरेबिया जा रहे हैं या फिर सऊदी अरेबिया से इंडिया जा रहे हैं। अगर हम कोई मान लीजिए सऊदी एयरलाइन से जा रहे हैं, इंडिगो से जा रहे हैं, तो हमें कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने जब ये सवाल पूछा तो मुझे लगा कि कोई नया अपडेट हुआ होगा। मैंने जब चेक किया तो पता चला कि वही जो लास्ट अपडेट था वही अभी तक एप्लीकेबल है। कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट का रिक्वायरमेंट मैंडेटरी नहीं है अगर आप इंडिया से सऊदी अरेबिया आ रहे हैं। अगर आप सऊदी अरेबिया से इंडिया जा रहे हैं उस केस में कुछ लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट का रिक्वायरमेंट है, कुछ कंडीशंस हैं, बाकी लोगों को जरूरी नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इसी चीज को आप लोगों को अपडेट करता हूं कि कोविड आरटीपीसीआर का लास्ट अपडेटेड रिक्वायरमेंट क्या है। पहले बात करते हैं इंडिया से सऊदी अरेबिया के बारे में। इंडिया से सऊदी अरेबिया आने के लिए दो मेजर कोविड रिस्ट्रिक्शंस थे, तीन थे जिसमें क्वारंटीन को भी जोड़ लीजिए। तीन मेजर रिस्ट्रिक्शंस थे, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, वैक्सीन रिक्वायरमेंट और कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट रिक्वायरमेंट, जिसमें से क्वारंटीन बिल्कुल ही खत्म हो गया। अब वैक्सीन रिक्वायरमेंट वो भी बिल्कुल ही खत्म हो गया। जो नॉन वैक्सीनेटेड लोग हैं वो भी आ सकते हैं सऊदी अरेबिया, एक्सेप्ट जो हज के लिए आ रहे हैं। उनके अलावा बाकी जो भी लोग आ रहे हैं वो अगर नॉन वैक्सीनेटेड है तभी भी आ सकते हैं। हज वालों को दो डोज या फिर कंप्लीट डोज किसी भी वैक्सीन का लेना जरूरी है। बाकी तीसरा जो रिस्ट्रिक्शन था कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट का, वो भी हटा दिया गया है। अगर आप इंडिया से सऊदी अरेबिया आ रहे हैं तो आपको कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं करवाना है, चाहे कोई भी एज ग्रुप के ट्रेवलर्स हों। लेकिन अगर आप किसी दूसरे कंट्री से ट्रांजिट होके अगर आ रहे हैं तो आपको उस कंट्री का एंट्री रिक्वायरमेंट्स चेक करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट आ रहे हैं तो आपको कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं चाहिए। ओके, अब बात करते हैं सऊदी अरेबिया से इंडिया के लिए। सऊदी अरेबिया से इंडिया के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस में लोगों को कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट का रिक्वायरमेंट है। जो लोग 5 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और जिन्होंने कम से कम एक डोज कोविड 19 वैक्सीन का ले लिया है, उन्हें कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है। जो 5 साल से कम उम्र के हैं वो बाई डिफ़ॉल्ट आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए एग्जेम्प्टेड है, उनको आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं करवाना है। ओके, किन लोगों को कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट का रिक्वायरमेंट है? जो 5 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और जिन्होंने एक भी डोज कोविड 19 का वैक्सीन नहीं लिया है, ठीक है। यहाँ पे भी वो चीज़ एप्लीकेबल होगा कि अगर आप किसी दूसरे कंट्री से ट्रांजिट होके जा रहे हैं तो आपको उस कंट्री का भी एंट्री रिक्वायरमेंट चेक करना पड़ेगा कि उस कंट्री का एंट्री रिक्वायरमेंट्स है क्या। बाकी इंडिया अगर डायरेक्ट जा रहे हैं तो अगर 5 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, वैक्सीनेटेड है, तो आपको नहीं चाहिए। 5 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और नॉन वैक्सीनेटेड है तो उनको कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट चाहिए। कई लोगों को आपने ये बोलते हुए सुना होगा आजकल भी कि कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट पूछ रहा था एयरपोर्ट में, लेकिन उनका कंडीशन शायद ये होगा कि वैक्सीनेटेड नहीं होंगे या फिर कुछ ऐसा क्राइटेरिया होगा जो नहीं क्लियरली बताए हैं। ओके, जो मैंने आपको बताया है वही लास्ट अपडेटेड गाइडलाइन है। अब सऊदी अरेबिया से इंडिया जाते समय आपको एक एयर सुविधा में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना रहता है, तो उसमें आपको जब आरटीपीसीआर टेस्ट भी अपलोड करना रहता था, पहले मैंडेटरी रिक्वायरमेंट था, लेकिन जैसे ही आप कंट्री ऑफ वैक्सीन सेलेक्ट करेंगे सऊदी अरेबिया तो उस केस में वो वाला फील्ड मैंडेटरी नहीं रहेगा। आप अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये था अपडेट कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए। जो भी लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपको एयरपोर्ट में पूछ रहा है, हाँ, एक और बात मैंने आपको बताया था कि कोई एयरलाइंस वालों का नाम पूछ रहा था कि सऊदी एयरलाइंस से जा रहे हैं मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। कोई सा भी एयरलाइंस वालों से भी आप जा रहे हैं तो आपको नहीं चाहिए। ओके, लेकिन ट्रैवल करने से पहले एक बार जरूर अपडेटेड गाइडलाइन आप चेक कर लीजिएगा। तो ये था अपडेटेड गाइडलाइंस कोविड रिलेटेड को लेके। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, कोई इस तरह का अपडेट आपके पास होता है तो कमेंट में लिख के बताइए ताकि मैं दूसरे लोगों को भी बता पाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।